आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम और बढ़ते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की तरफ। तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 128 गांवों में टूटा संपर्क। पढ़े वेदर अपडेट्स। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले 4 दिनों तक दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हल्की से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दक्षिण भारत के भी कई इलाकों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। तेलंगाना में रविवार तक के लिए बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की डायरेक्टर लीना मणिमेकलई की बड़ी मुश्किलें। हरिद्वार में भी FIR दर्ज। डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी कि काली के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फिल्म के निर्माता यानी कि लीना और उनकी टीम के 10 से ज्यादा सदस्यों पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में हरिद्वार में FIR दर्ज की गई है। बता दें कि थाना प्रभारी ने बताया है कि हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव विक्रम सिंह राठौर द्वारा शिकायत दी गई है। भारत समेत 9 देशों में तैनात यूक्रेनी राजदूत बर्खास्त। रूस ने जंग के बीच व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा कदम। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारत के साथ साथ 9 देशों में तैनात अपने राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। जिन देशों से राजदूत हटाए गए हैं उनमें भारत के अलावा जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर नेपाल, मालदीव, नॉर्वे, हंगरी और गणराज्य और भी शामिल है। यात्रा रोकी गई। 2 दिन पहले बादल फटने की घटना के बाद लिया गया फैसला। 2 दिन पहले बादल फटने की घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। फिलहाल यहां मौजूद श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन पहले उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया था। वहां भारी बारिश और अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना की वजह से स्थानीय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के आम लोगों के जीवन में अच्छे दिन लाऊंगा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वादा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह अपने पोस्ट का इस्तेमाल राज्य के लोगों को न्याय दिलाने में करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह नागरिकों के जीवन में अच्छे दिन लाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि शनिवार को पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा है कि हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहते हैं और धर्मवीर आनंद की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। मैं थी आपके साथ इशिका गुप्ता और ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।